Assalamualaikum, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पोटली बैग बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तब से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पोटली बैग बनाने के लिए मैंने क्या ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है, ये मैंने गोटा लेस ली है और ये मैंने एक और लेस ली है। इसे यूज़ करके मैं पोटली बैग बनाऊँगी। 20x20 इंच की मैंने दो सर्कल की कटिंग कर ली है। इस तरह मैंने ऑर्गेन्जा के 2 सर्कल की कटिंग कर ली है। अब मैं इस पर 2 इंच के गैप से मार्किंग करूँगी। आप भी इसी तरीके से इस पर मार्किंग करें। इस तरह मैंने सर्कल पे मार्किंग कर ली है। अब मैं इस पर गोटा लेस लगाऊंगी। इस तरीके के पोटली बैग आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। आप इस तरीके से अपने घर में पोटली बैग बना सकती हैं। इस तरह इस पूरे पे गोटा लेस लग चुकी है। अब मैं इस पे 2 इंच के गैप से एक और सर्कल बनाऊंगी। इस तरह 2-2 इंच के गैप से मैं इस पूरे पे मार्किंग करूंगी। आप भी इस तरीके से करें। इस तरह मैंने इस पूरे पे मार्किंग कर ली है। अब मैं इस पे गोटा लेस लगा रही हूँ। इस तरह इस पे भी गोटा लेस लग चुकी है। इसी तरह मैं इसके दूसरे पीस पे भी मार्किंग करूंगी। 2 इंच के गैप से सर्कल बनाऊंगी। इसी तरह मैं इस पूरे पे मार्किंग कर लूंगी। इस पूरे पे मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इस पे गोटा लेस लगाऊंगी। इस तरह इसकी एक साइड पे गोटा लेस लग चुकी है। पहले की तरह ही मैं इसके इस पे 2 इंच के गैप से एक और सर्कल बना लूंगी। इस तरह इस पूरे पे मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इस पे गोटा लेस लगाऊंगी। इस तरह इसकी दूसरी साइड पे भी गोटा लेस लग चुकी है। इस तरह इन दोनों पीसों पे गोटा लेस लग चुकी है। अब मैंने फोल्ड करके बीच में से कट लगाऊंगी। इस तरह फोल्ड करके अब मैं इस पे कट लगा लूंगी। इसी तरह इसके दूसरे पीस को भी फोल्ड करके उस पे मैं कट लगा लूंगी। इन दोनों पीसों को एक साथ रख के अब मैं इस पे कट लगा रही हूँ। अब मैंने जिसमें कट लगाया उसके ऊपर कट के ऊपर कट रखूंगी और मैं इसमें बीच में ये लेस रख के अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस लेस को मैंने इसकी फ्रंट साइड पे रखी है और मैं इसकी बैक साइड से सिलाई लगाऊंगी। इस तरह मैंने इसकी एक कट के साइड तक मैंने ये लेस लगा ली है। अब मैं दूसरी साइड से लेस लगाऊंगी। मैं इसमें डोरी डालने के लिए इस तरीके से लेस लगा रही हूँ। इस लेस की ओपन साइड से मैं इसमें डोरी डालूंगी। इस तरह इसकी दोनों साइडों की सिलाई लग चुकी है। थोड़ा सा मैंने इसे बीच में से खुला छोड़ा था जिससे मैं इसे सीधा करूँगी। मैंने पोटली बैग बनाने के लिए
ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यूज़ करा है। आप चाहे तो नेट का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं या ब्रोकेट का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब मैं इसकी खुली हुई साइड को टॉप सीम लगा के बंद करूँगी। इस तरह मैं इस पूरे पर टॉप सीम लगाऊंगी। टॉप सीम लगाने से फिनिशिंग आती है। इस तरह ये पोटली बैग स्टिच हो चुका है। मैंने स्वारोस्की को यूज करके इस पर मैंने फ्लावर बना लिए हैं और सिल्क थ्रेड और गोटा लेस को यूज करके मैंने इस पर टसल्स बना लिए इसके लिए। इस तरह ये हमारा फैंसी पोटली बैग रेडी हो चुका है।